देख लो कोस्को के लिए, मतलब खेलना नहीं आता कुछ नहीं आता, हमने भी नहीं लिया अपनी लाइफ में कोस्को के बैडमिंटन, हम तो वो 100 रुपए वाले लेते थे और इतने भाई साहब ने इतने महंगे। मेरा लैपटॉप ना छेड़ने की जरूरत नहीं है, समझ आ गई ना? बहुत मारता हूँ मैं, खड़े होके पी, खड़े होके, खड़े होके जल्दी। ब्लॉग जो है आज का लाइव हो चुका है, पूरे 11 बजे कर दिया था, फिलहाल 11:16 हो रहे हैं। बट एक चीज देख लो, रेगुलर ब्लॉग्स डल रहे हैं और टाइम पे भी डल रहे हैं। हाँ, एक दो दिन कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, शाम को या रात तक डलती है, रात तक तो नहीं शाम तक ही डलती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि 11 बजे सुबह हर रोज आए। और आपको पता हो कि 11 बजे ही अपलोड होता है ब्लॉग, तो आप, आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलती ना तब भी आप एक बार चैनल पे आके देख लिया करो 11 बजे के आसपास। बाकी कुछ कुछ दिन थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है। चलो बुनो, आओ ये खाना जल्दी जल्दी जल्दी। वो देखो इसको, जिसका मास्क दिख जाता है ना वही खाने लग जाता है। ये लो अब ये मास्क मिल गया। ए छोड़ गंदा, छी। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये लो 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 लो, खाओ चलो, खाओ खाओ खाओ, जल्दी खाओ, खा लो खा लो खा लो। चलो ये पूरे कट्टे में कपड़े ही कपड़े भरे हुए धोने के लिए, आज धुलेंगे सारे के सारे। कभी हफ्ते 10 दिन में एक ही बार सीधा मशीन यूज करी जाती है, बीच बीच में हर रोज तो नहीं। ये जूता कौन ले आया तेरा ऊपर? देखना इसका पार्थ का जूता ब्रूनो ऊपर ले आया खींच के। कहाँ रखा है दूसरा? दूसरे वाले कमरे में रखा, अगर पार्थ वहां से नहीं आता फिर खाने। तेरे एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 21 फरवरी 2021। मैं हूँ अभी गुड़गांव में। आज मयंक आ रहा है क्योंकि मैंने 2-3 ब्लॉग पहले बताया था उसको अपना पीसी बेचना है, तो वो स्टोर पे रखने आएगा। हालांकि संडे था बट अभिनव स्टोर पर ही है, तो उसने कहा ठीक है ले आ। और फिर एक और दोस्त है हमारा फैजल, उसको लैपटॉप लेना है, वो लेने जाएंगे और फिर वहीं पर मॉल में कुछ खा लेंगे दोपहर का। टाइम है लेकिन अभी मेरे लिए तो घर से आलू के परांठे आए हैं, तो सुबह का तो काम हो ही गया आज। हेलो, मैं मनमोल जायसवाल बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था एक ना KTM एडवेंचर है, उसकी थर्ड सर्विस होनी थी, तो मैं कल ले आऊँ दिन में उसको? ले आई। कल खुला होगा ना सर्विस सेंटर? जी जी। ठीक है मैम, मैं अच्छा ठीक है, मैं 12:30-1 बजे तक ले आऊँगा कल फिर। चलो भाई अपना KTM की भी कल सर्विस हो जाएगी, बहुत हालत ख़राब हुई पड़ी है उसकी, सड़ी पड़ी है जब से मनाली से आया हूँ। उसका भी काम कल पेंडिंग होगा, निपटाएंगे। शाम को बैडमिंटन लेना है छोटा, तू तो बड़ा कह रहा है, पर तू फिर यूज़ कैसे करेगा बड़ा बैडमिंटन? कर लूँगा। पक्का? तो कौन सा अभी तो तेरे को फिर ऐफ ही दिलवाते, तेरे को खेलना तो नहीं आता ना अभी? आता है, झूठ बोल रहा है। खेलेगा किसके साथ तू? मम्मी के साथ? पक्का आता है तेरे को? फिर अच्छा वाला दिलवाए या ऐसी दिलवा दे? अच्छी वाला। यार तू बड़ा फिर यूज़ कर नहीं पाएगा बैडमिंटन, वो तेरी हाइट का होगा, तू कैसे यूज़ करेगा? या तो तू अभी छोटा ले ले, जब तू बड़ा हो जाएगा तेरे को बड़ा दिलवा देंगे। नहीं बड़ा। चल ठीक है, तेरे को फिर बड़ा वाला दिलवा देंगे। ओके ओके, कुछ तो कर दे फिर। एक इसे देखो, सबको बेड पे से हटा के खुद पसर गया आराम से। ओए ऐसे करता हर बार। हाय ब्रूनो, गिजुंग। कब से ना ये भी मैंने अमेजोन से मंगवा रखा था, ये परफ्यूम है और सोलर वाला है, जिससे कि ये ना घूमता रहता है जब जब धूप पड़ती है। ये मैं क्रेटा में इंस्टॉल करूंगा। हालांकि इसका जो ये एयर प्यूरीफायर है ना, इसके अंदर भी परफ्यूम लगा हुआ है, बट फुल स्पीड करने पे भी ना कुछ फायदा ही नहीं होता, मतलब पता ही नहीं चलता परफ्यूम लगा भी रखा है नहीं लगा रखा। लेकिन समझ नहीं आ रहा लगाऊं कहां पर, ये चिपकने वाला है यहां पर प्रॉपर, मेरे को लग नहीं रहा पकड़ बैठेगी। और ये चीज जो है ये स्पीकर है, तो स्पीकर के ऊपर तो नहीं लगा सकता, मन तो वैसे यहीं पे लगाने का क्योंकि बेस्ट जो सिमेट्री बैटरी है वो यहीं की है, बट क्या करूं, लगा लूं क्या? क्या स्पीकर पे ही लगा लूं? अगर स्पीकर खराब हुआ तो पैसा दे दो। नहीं प्लीज, नहीं रिक्वेस्ट, नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, नहीं। यहीं लगा दिया, मेरे हिसाब से सही फिट भी हो गया, बट एक दिक्कत होगी, इसका जो परफ्यूम वाली टिक्की थी ना अंदर लगती है वो तो ऊपर ही रह गई। और अब मैं ऊपर जा नहीं रहा क्योंकि मयंक ऑलमोस्ट आने वाला है, वो पहले स्टोर पे जा चुका है, वहां से निकल गया मतलब, तो 2 मिनट में वो भी पहुंच ही रहा होगा, फटाफट जाना है भाई। ओके जी, चेक मेरे घर भेज देना या बैंक ट्रांसफर कर देना भाई, ये अगर खराब हो गया स्पीकर तो। नहीं 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 भाई, आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए, जल्दी खुला, खोल दिया खोल दिया, बैठो बैठो फटाफट फटाफट। हेलो जी, मास्क लगा लेना बस। लो जी फाइनली पहुंच गए हैं एम्बियंस मॉल। सबसे पहले लैपटॉप का काम है, ये रहा फैजल, पहले ये उत्तराखंड वाले ब्लॉग में आया है, हाँ, है ना, हाँ। वो कहाँ पे गए थे? लैंसडाउन, सिर्फ एक ही बार आया ये मेरे ब्लॉग में, और ये तो तमाशेदार,
हमेशा टपक ही जाता है। और मैंने ना कल जो वो HRX वाली टी शर्ट पहनी थी, इसने सेम सेम देख के ना मेरी जैसी मंगवा ली। अरे झूठ बोल रहा है भाई। तो बिल्कुल चलो अब लैपटॉप देखने चल रहे हैं हम फटाफट से। कौन सा लेने की सोच रहा है? कोई सा नहीं अभी, इसको तो इसको इसको अपने भाई के लिए लेना है। और इसका जो है ये तो M1 वाला ही लेगा, क्योंकि ये ले रहा था विंडोज लेकिन हमने मना लिया की M1 ही ले, पैसा खर्चा कराएंगे तो ये फिर बाद में लेगा। अभी अपने भाई के लिए ले रहा है विंडोज। बजट 50,000 तक में। चलो देखते हैं। दो तीन जगह पर लैपटॉप देखे, पहले रिलायंस डिजिटल देखा, वहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया, फिर क्रोमा गए, क्रोमा पे एक HP का पसंद आया, बट इसने डिसाइड कर रखा था कि राइजन लेगा, तो मैंने जगह राइजन की जगह लैपटॉप में ज़्यादा बेटर ऑप्शन है i5 ले ले 10 जनरेशन वाला। तो एक मिला तो है i5 10 जनरेशन, 8GB रैम, 512GB SSD, वो कुछ 50,000 का है, बट डिस्काउंट कैशबैक लगा के 45,500 का पड़ेगा। स्कीम जोर जोर से बताते सबको चिल्ला, चिल्ला। वो तो सबके लिए है जो भी आएगा। ऊपर से उसमें 6 मंथ की नो कॉस्ट EMI भी हो रही है, तो अभी देखते हैं। और हाँ, अरे हाँ, सबसे बढ़िया चीज़ एक कंट्रोलर मिल रहा है सोनी के ऑफिशियल स्टोर पे, PlayStation 5 का, जो कहीं नहीं मिल रहा, तो वो लेकर चलता हूँ मैं सोच रहा हूँ। एक तू भी ले रहा है? Yes. तो डिसाइड ये हुआ है कि कुछ भी नहीं लेना अभी। देखो क्रेटा का सबसे अच्छा फीचर, अब हमें पार्किंग में गाड़ी मिल नहीं रही थी तो मैंने ये दबाए रखा, तो देखो बीप मारने लग गया, पता चल जाएगा कहाँ बज रही है। चलो जी, ये महाराज जी लैपटॉप लेने तो आ गए, लेकिन इनके पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं था। क्रेडिट कार्ड पड़ा है लखनऊ में, कह रहा मैं वहाँ से नंबर मंगवा लेता, भैया स्वाइप करवाना है वहाँ, आसमान से उड़ के आएगा। दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है। देखो नशे में होता है तो चेक। और आज मैं दे रहा है फाइनली पार्टी, इतने सदियों के बाद हम जा रहे हैं AB इज एब्सोल्यूट बारबेक्यू, उधर वहाँ पे चिकन दबा के खाएंगे। ये फ्रॉड इंसान है भाई, पकड़ भाई। क्या क्या दिखाता है, क्या क्या दिख रहा है, फॉरवर्ड कई पैसे दे रहे हैं, पैसे लगा ली चाचा, पहले लगा ली। चलो जी, चला जाए पार्टी करने के लिए। ये देखो दुखी इंसान, क्यों दुखी है भाई? ये लैपटॉप के पीछे दुखी है अभी। क्यों दुखी? लैपटॉप के पीछे दुखी हूँ भाई। चलो जी, और मेरे को कंट्रोलर मिला तो था 6,000 रुपए का दे रहा था, बट मैंने कहा GST बिल बना देना, कह रहा अभी अकाउंटेंट नहीं है, तो मुझे लग रहा है वो घपला कर रहा था सोनी वाला, वो शायद से इम्पोर्टेड वाला कंट्रोलर था इसलिए उसने बहाना मारा। बाकी ठीक है, जो भी है हमें क्या मतलब, अब तो हम जा रहे हैं, भूख बहुत तेज लग रही है क्योंकि। चलो जी चलो। लो जी पहुंच गए हैं AB's, काफी लेट हो गए, टेबल बुक करवाया था 3:30 का, पहुंचे हैं 4:15 बजे, सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से। लो फोन भी आ गया रवि भाई का, 25 25 पार्किंग में आ गया। साइबर अब है, साइबर अब। हाँ भाई, PC-VC क्यों नहीं बेच रहे आजकल है, क्या हो रहा है, स्टॉक कहाँ है? यहाँ पे ये सब बातें नहीं होगी, यहाँ पे ये सब बातें नहीं होगी। हाँ, इसका भी PC सेल के लिए, वो मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तेरा क्या है सेल के लिए? मेरा किडनी, किडनी एक किडनी सेल के लिए, एक किडनी सेल के लिए है भाई। 20 लाख रुपए में लेंगे, किसी को बेच लिया तो कॉन्टैक्ट। अभिनव का वेट हो रहा था और अभिनव भी नहीं आया, नहीं। बाकी आज हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से एक बूफे का पूरा वसूली करी जाती है रवि भाई के द्वारा। मतलब हम तो उनमें से है जो 100 रुपए भी वसूल नहीं करते, लेकिन ये 800 की जगह ये हमारे भी वसूल कर लेते हैं। ये हम सबके वसूल कर लेंगे। स्टार्टर्स खा लिए हैं। हाँ जी, वसूल हो गए स्टार्टर्स में ही। तो आज मैं वसूली कर रहा हूं। चलो मेन कोर्स के लिए क्या है आज? मैं तो बिरयानी लूंगा अपनी फेवरेट भाई। बिरयानी चिकन, चिकन पीस तो डाल यार, लेग लेग पीस चाहिए था ये रहा। लेग पीस भाई, ये छोटी प्लेट में क्या होगा? भाई बहुत अच्छे डाइटिंग। मेन बंदे की प्लेट तो यहाँ है, अभी तक तो खाली है, कुछ नहीं ले रहे ना, देख रहा। बटरस्कॉच और चॉकलेट, मैं खा रहा हूँ पान फ्लेवर और इसमें ब्राउनी डाल के। चलो जी, घर चलने का टाइम आ गया है फटाफट से। बेचारा पार्थ शाम से वेट कर रहा था, आते आते हमें 7:45 हो गए हैं। इसका बैडमिंटन लेकर आना है, पर आज भीड़ इतनी है, जिन जिन जगह पे स्पोर्ट्स की दुकानें हैं वहाँ पर कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से लेकर दूँ। अब एक दुकान मेरे ध्यान में आ रही है, वहाँ पर शायद गाड़ी खड़ी करने की जगह मिल जाएगी। कौन से कलर का बैडमिंटन लेना पार्थ? और बड़ा छोटा? बड़ा। देख लो आजकल के लौंडे, मतलब छुटके छुटके से बच्चों के इतने नखरे है, इतने नखरे है, क्या करे मतलब। नहीं मैं मर जू है, मेरी कोई फीलिंग नहीं है, है?
पार्थ की जो आखिरी उम्मीद थी आज की वो थी ये, और खुली हुई है फाइनली, इसके बैडमिंटन मिल जाएंगे। कैसा लग रहा है पार्थ? ये सही है वाला? हाँ। पक्का? हाँ। पक्का ना? हाँ, पक्का। ब्लैक नहीं है, ब्लू ही है दोनों। अब तो खुश है, है? खुश है कि नहीं है? हाँ है ना, पक्का? देख लो, कोस्को के लिए है, मतलब खेलना नहीं आता, कुछ नहीं आता। हमने भी नहीं लिया अपनी लाइफ में कोस्को के बैडमिंटन, हम तो वो 100 रुपए वाले लेते थे और इतने भाई साहब ने इतने महंगे। शटल मैंने कहा कि एक ले ले, कह रहे नहीं 2-3 लूंगा, तो मैंने कहा फिर 6 वाला डब्बा ही सस्ता पड़ रहा था, पूरी 6 ही रख लो। अब कितने दिन में खेलना सीख जाएगा? 2 दिन में, पक्का? और नहीं आई तो मैं ले जाऊंगा वापिस, ये ले जाऊंगा तेरे से वापस में। ऐसी ना इसने पहले किया था, इसके पिछले से पिछले बर्थडे पे ना इसको साइकिल दी थी, तो कह रहा मैं साइकिल सीख लूंगा, और आज तक साइकिल इसने हार्डली 5-6 बार चलाई होगी, और उसकी भी अब चैन निकली पड़ी है 6 महीने से, ठीक भी नहीं करवाते। ऐसी है, 2 दिन का शौक होता है बस, चीजें दिलवा दो फिर करना धरना कुछ नहीं होता है ना, है ना? यही होगा ना अभी भी, है ना? यही होगा ना। A few minutes later, ब्रूनो को खाना भी ले आया हूँ, देखना कैसे भोग रहा है, जल्दी जल्दी दो। दे रहा हूँ शांति शांति बच्चा शांति। आ जाओ ये लो, चलो खा लो, जल्दी आओ। वेरी गुड बच्चे, अल्ले 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 अल्ले। काफी लोग कह रहे थे कि खाते टाइम ना हाथ मत लगाए करो, काट जाते हैं डॉग्स, बट देखो ब्रूनो हमारा अच्छा बच्चा है, खाते टाइम बिल्कुल भी नहीं काटता। हालांकि ज्यादा भी खैर उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, खाने देता हूँ। जब तक ब्रूनो खाना खाएगा मैं कपड़े भी चेंज कर लेता हूँ। ठीक है जी, फिर ब्लॉग को खत्म करते हैं। वही डेली ब्लॉगिंग की अपनी कोशिश जारी रह रही है, 11 बजे दिन में ब्लॉग आ जाया करेगा, तो चेकआउट करते रहा करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी, बाय बाय बाय।